सो गाइस, इस वीडियो में हम विप्रो शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने फ्राइडे को देखा था कि विप्रो शेयर में करीब 3% की वृद्धि हुई है और इसी के साथ यह शेयर 467 रुपये के पास पहुंच गया है। अगर हम इसका लो देखें तो 456 था और हाई 467 है, तो पिछले दो दिनों से इसमें कुछ हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी या मार्केट ओपन था। तो आगे भी अगर मार्केट अप जाता है तो विप्रो शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैसे यह शेयर बहुत नीचे आ चुका है, इसमें करीब आपको 45% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम लास्ट 5-6 मंथ की बात करें तो यह शेयर करीब 750 रुपये तक पहुंच गया था, जो कि इस समय 460-470 के करीब मिल रहा है। जनवरी 2022 में इसका हाई था 418 रुपए के आसपास। तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि लास्ट 6 मंथ में जितना हाई था उससे अभी तक आपको 25% करेक्शन में यह शेयर मिल रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसकी लो की बात करें तो यह हमें करीब 450 के आसपास देखने को मिला था। अगर हम कल की बात करें तो कल इसका रिजल्ट पॉजिटिव आने की संभावना है। देखिए, अब शेयर मार्केट है, इसमें कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रिडिक्शन है उसको हम प्रिडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि मार्केट अब ही सुधर रहा है तो इसमें जो विप्रो शेयर है उसमें भी जो शेयर प्राइस है वो अप जा सकती है, क्योंकि अभी यह बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेड कर रहा है तो इसमें फिर से बाउंस बैक की संभावना है और यह शेयर आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में 550 के आसपास मिल सकता है। तो अगर हम शॉर्ट में कल की बात करें तो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना है। तो वैसे तो अभी कल ही पता चलेगा कि आखिर जो विप्रो शेयर है उसमें कल क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया है कि जो विप्रो शेयर है उसका प्रेडिक्शन क्या है। हम कल का वेट करते हैं और जानेंगे कि आखिर जो विप्रो शेयर है वो कहां तक जाने की संभावना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।